आपका अपना शोरूम पुजारी मोटर्स सुजुकी शोरूम किल्लाई नाका बालाकोट रोड दमोई। गाड़ी खरीदने से पहले एक बार अवश्य पधारें या हमें फोन करें, हम आप तक पहुंचेंगे। LIC में शहरी एजेंट भर्ती 6000 हर माह, 20 से 25000 कमीशन, केवल 25 पद। जल्द संपर्क करें, योग्यता 12th पास, उम्र 25 वर्ष। संपर्क करें आशीष जैन, LIC विकास अधिकारी दमोह। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। दमोह के पुलिस कंट्रोल रूम में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें पिछले कुछ दिनों पूर्व दमोह जिले के रने थाना क्षेत्र में लगातार चोरियों का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस की सक्रियता से मुख्य दो आरोपियों के बाद उनके चार और अन्य सहायक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसको लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन पुलिस अधीक्षक DR तेनियर के द्वारा कंट्रोल रूम में किया गया, जिसमें विस्तार से जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, सुनते हैं। दमोह जिले में रने थाना अंतर्गत विगत 19 और 20 नवंबर की रात को लखन राय के घर में चोरी हुई थी और उसमें उसके घर में रखी पानी की 6 मोटरें अज्ञात आरोपी द्वारा चोरी करके ले गए थे। क्योंकि किसान के घर में इस समय जो है फसल का जो है सिंचाई का समय है और मोटर चोरी होना एक बड़ी मतलब जो है घटना है, हमारे थाना प्रभारी को हमने निर्देशित किया कि इसको गंभीरता से ले। चूँकि रने कस्बे में ही चोरी हुई है, निस्संदेह गांव के ही व्यक्ति इसमें आरोपी होंगे, इसमें नज़र रखे, तो थाना प्रभारी द्वारा बड़ी गंभीरता से इसको लिया गया है। परिणाम ये हुआ है कि गाँव के ही दो लोग महेश कोरी और विकेश साहू दो को मुखबिर सूचना के आधार पर, संदेह के आधार पर उनको पकड़ा गया है। उनके द्वारा पूरी घटना बता दी गई है। उनके चार अन्य साथी हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 6 आरोपी हैं जिन्होंने यह घटना घटित की थी लखन राय के घर में, जो 6 मोटे रखी हुई थी वो चोरी की थी। साथ ही उन्होंने एक बस की बैटरी को भी स्वीकार किया है। जब उनसे काफ़ी पूछताछ की गई है तो उन्होंने दो नकबजनी जो थाना रने क्षेत्र में घटित की थी, एक घटना महामार्च की थी जो तिवारी परिवार था उसके घर में जो है नकब लगा करके चोरी की थी और सोने चांदी के जेवर करीब करीब 90,000 के जेवर जो है चोरी करके ले गए थे। एक घटना 28 जुलाई की थी, वो घटना भी इनके द्वारा स्वीकार की है। इसलिए इस गैंग के द्वारा जो करीब करीब 2.5 लाख का मशरू का विद्युत मोटर सहित और नकबजनी का जो सोने चांदी की जेवर सहित जो है बरामद कर लिया गया है। क्योंकि इनके पूर्व रिकॉर्ड नहीं है, ये इन्होंने पहली वारदात थी, लेकिन चारों प्रकरण के आधार पर इनके विरुद्ध जो है निगरानी खोली जा रही है और इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चार प्रकरणों में करीब 2.5 लाख का मशरू का बरामद भी कर लिया गया है। गिरफ्तारी कर न्यायालय पेश किया जा रहा है। हमारी साइबर सेल की टीम के द्वारा बड़ा अच्छा काम किया। पिछले महीने भी हमने करीब करीब 15 मोबाइल जो है घूमे हुए मोबाइल जो है आवेदकों को ढूंढ करके उपलब्ध कराए थे और विगत एक सप्ताह में हमारी साइबर टीम के द्वारा 5 मोबाइल जो है सर्च किए और ढूंढ करके आवेदकों को उपलब्ध कराए।